हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारी हुई हमारी प्रेरणा भारत की महामानी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, न केवल अपनी ओर से नहीं, आपकी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मठ गवर्नर आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, प्रदेश और देश के ऊर्जावान नेता, हमारे सिविल एविएशन और इस्पात मंत्री आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री दीपक जी, श्रीनिवास सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भाई तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न जी, भारत सिंह जी, सांसद आदरणीय सेजवलकर जी, और जिनको सम्मानित करके हम स्वयं धन्य हुए हैं, डॉक्टर अनिल काकोड़कर जी, मध्य प्रदेश के वो गौरव है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। इस संस्थान की स्थापना, जैसा सिंधिया जी बता रहे थे, जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी देश के मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तब की गई, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, और नाम अटल जी के नाम पर। अटल जी अद्भुत थे और ग्वालियर से उनका नाता कोई भूल नहीं सकता। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जीवा पर विराजती थी, कीर्ति और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती थी। उनकी 2 पंक्तियां आपको भी प्रेरणा देगी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी कवि थे और ये पंक्तियां हम सबको भी जीवन में, हार नहीं, जो सोचा है वो कर कर ही हम चैन की सांस लेंगे, इसकी प्रेरणा देती है। और आज आप सब बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी ये डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, अपने संस्थान में आपने ज्ञान के लिए प्रवेश लिया था, अब यहां से सेवा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देश और समाज के लिए काम करने का सौभाग्य आपको मिला है और आपने शपथ भी ली है। आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, इस देश के लिए, समाज के लिए। डॉक्टर काकोड़कर जी कह रहे थे कि उनके लिए भी है जो विकास की दौड़ में नीचे और पीछे रह गए हैं, और इसलिए अपनी प्रतिभा और अपनी दक्षता का उपयोग आजादी के अमृत काल में देश को विकसित बनाने में और आगे बढ़ाने में आप करें, ये मेरी आप सबसे आग्रह और प्रार्थना है। देखिए, एक जमाना था 18वीं सदी तक, जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने में खाद्यान्न, मसाले, कपास से बने कपड़े ये गति देते थे। फिर औद्योगिकरण का युग आया तो विशेषकर डीजल, पेट्रोल, तेल ये अर्थव्यवस्था को गतिमान बना के रखने लगी। लेकिन आज 21वीं सदी का ईंधन है डाटा और सूचनाओं पर आधारित एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये वो विधाएं हैं जिनमें महारत हासिल करके लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हर क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं, बदलाव आ रहे हैं। फार्मिंग से लेकर फाइनेंस तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन तक, एजुकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक, हर क्षेत्र का स्वरूप बदलने वाला है और उसके ध्वजवाहक हैं आप। इसलिए मैं आप सबका को बधाई भी देता हूं
टैलेंट, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन और नेतृत्व का अनूठा संगम आज भारत के पास है और एक बार उसने हमें इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जैसा सिंधिया जी बता रहे थे कि हम एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। पर वो बने इसकी जवाबदारी और इसमें हिस्सेदारी निभाना ये भी मित्रों आपका काम है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश बहुत संभावनाओं का प्रदेश है, जैसे देश आगे बढ़ रहा है। मैं केवल एक मिनट में आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट लगातार 18 के आसपास, लगातार पिछले साल हम 18.6 थे, इस बार 16.06% हमारा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम हमारी कभी 11,000 रुपया हुआ करती थी, आज 1,40,000 रुपया है। हमारी जीएसडीपी का साइज जो कभी 71,000 करोड़ था 5-6 तक, आज बढ़कर 15,00,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ाने में आपके ज्ञान का उपयोग हो ये मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि रोल आपको भी प्ले करना है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टेक्नोलॉजी का फील्ड बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अब आप देखिए, आपकी आप में से मुझे बताए कई का कंपनियों में प्लेसमेंट हो चुका है, अब अर्निंग शुरू हो जाएगी, लेकिन लर्निंग मत भूलना, जीवन भर सीखते रहना। यहां से निकलने के बाद आप सब इस गौरवशाली संस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, इसलिए आप बेंगलोर में रहें या बर्लिन में, नोएडा में रहें या न्यूयॉर्क में, हैदराबाद में रहें या हांगकांग में, आप संस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश को प्रमोट करने का उत्तरदायित्व भी आप निभाते रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां और महामहिम का एक बार फिर बहुत हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।